हेलो एवरीवन, आज बनाएंगे टेस्टी सुपर क्रिस्पी स्नैक जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और काफ़ी टाइम तक क्रिस्पी भी रहता है। तो ऐसी और रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सामने दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो चिकन पॉकेट्स बनाने के लिए सबसे पहले 250 ग्राम बोनलेस चिकन को इस तरह श्रेड कर लेंगे और अब इसमें ऐड करेंगे एक लार्ज साइज़ का या एक कप बॉईल करके ग्रेट किया हुआ आलू, आधा कप बारीक कटी हुई प्याज, 1/4 कप गाजर बारीक कटी हुई, 2 टेबलस्पून हरा धनिया, 1 टीस्पून या टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला और 4 टेबलस्पून मेयोनीज। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसका टेस्ट और इन्हेंस करने के लिए इसमें आधा कप मोज़रेला चीज़ डालेंगे। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर चीज़ी ज़्यादा पसंद हो, या फिर स्किप भी कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। तो इस तरह अच्छे से मिक्स करने के बाद अब ब्रेड स्लाइसेस लेंगे, इनके साइड्स कट कर लेंगे और इनके साइड्स का क्रम्स बनाएंगे। तो इस तरह से ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर लेंगे और अब ब्रेड स्लाइसेस पर स्टफिंग रखेंगे, अच्छे से हर तरफ फिल कर लेंगे, दूसरी स्लाइसेस पर रखेंगे और इस तरह कट करेंगे स्क्वायर में। इस तरह से आप इतनी फिलिंग से 5 ब्रेड की फिलिंग तैयार कर सकते हैं। शेप आप अपनी पसंद से कोई भी बना सकते हैं, जैसे इस तरह ट्रायंगल शेप भी दे सकते हैं। और अब बनाएंगे एक स्लरी। तो 1/4 कप कॉर्नफ्लावर लेंगे, इसमें डालेंगे आधा कप पानी और 1/8 टीस्पून नमक और अब इसे अच्छे से लंप फ्री विस्क कर लेंगे। तो स्लरी भी तैयार है। तो अब एक पीस चिकन पॉकेट्स का स्लरी में डिप करेंगे, बहुत ज़्यादा देर तक ना रखें, बस इस तरह डिप करेंगे, हल्का निचोड़ देंगे ताकि एक्स्ट्रा वाटर निकल जाए और फिर ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। इसी तरह सारे डिप करके और कोट करके तैयार कर लेंगे। ऑयल मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था, तो बस एक एक करके पीस इसमें डालेंगे। ऑयल सही से गर्म होना चाहिए, धुआं निकलने वाला नहीं, बस हल्का तेज़ गर्म। सारी चीज़ें पकी हुई हैं इसमें, सिर्फ दोनों तरफ से गोल्डन और क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे। तो ये हो गए हैं, इन्हें निकाल लेते हैं। इसी तरह बाकी के भी फ्राई कर लेंगे। तो हमारे क्रिस्पी चिकन पॉकेट्स या ब्रेड चिकन स्नैक्स बनकर तैयार हैं। इसे सर्व करेंगे सॉस के साथ। तो ट्राई करें ये रेसिपी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप इसे बनाएं और इन्जॉय करें।